नमस्कार दोस्तों, सुजानगढ़ की ग्रीन स्पेस पार्क का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। दोस्तों बहुत ही सुंदर पार्क है सुजानगढ़ के, काफ़ी क्षेत्रफल में बड़ा हुआ घिरा हुआ पार्क बना हुआ है। दोस्तों आगे चलिए, आपको काफ़ी चीज़ें दिखाते हैं पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए, ये देखिए बहुत सारे लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, काफ़ी लोग इन्जॉय करने के लिए आते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध वातावरण में घूमने के लिए आते हैं पार्क में। तो लोग यहाँ पे देखो, ओपन जिम वाली मशीनें लगी हुई है जिसमें लोग काफ़ी बच्चे बड़े सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। तो आगे से आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलती रहिए लगातार। तो दोस्तों आपको नज़र आ रही है, देखिए छोटे छोटे बच्चे इधर ये झूले खा रहे हैं ऐसे लग रहा है, लेकिन ये एक एक्सरसाइज करने की मशीन है जो पैरों की है। और ये देखो हाथ से घुमा रहे हैं अंकल, ये भी एक मशीन है जो हाथों की एक्सरसाइज करने की है। काफ़ी सारी मशीनें हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत सारी मशीनों से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिना जिम के अच्छी खासी बॉडी बना सकते हैं भाई लोगों। इस पार्क में एक बार ज़रूर आइएगा। तो आप चलते रहिए देखते रहिए, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएगी। ये देखिए, देखो ये लोग कर रहे हैं काफ़ी, ये देखो लड़के बच्चे छोटे बड़े बूढ़े सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं काफ़ी। ये देखो छोटा सा बच्चा काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है इधर, और ये देखो दो छोटे छोटी बच्चियां हैं ये भी घूमने के लिए आई है। ये इधर लड़का इधर खड़ा है, और ये देखो छोटा सा बच्चा बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, काफ़ी अच्छा है। और ये देखो इधर बच्चा खड़ा है, काफ़ी एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है। ये देखो तीन चार बच्चे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों देखने में, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। पार्क में आइएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। ये देखो छोटे छोटे बच्चे इधर लड़कियां ये एक्सरसाइज कर रही है। ये देखो एक मशीन दिखाई दे रही है आपको, ये सोकर एक्सरसाइज पेट की एक्सरसाइज करने के लिए होती है। बहुत ही सारी अच्छी अच्छी मशीनें मिलेगी आपको यहाँ पर। देखिए दूब का एक हरेरी गार्डन, हरे दूब हरेरी हरियाली, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको घूमने के लिए। आप इधर आओगे ना एक बार तो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। ये देखो अंकल खड़े हैं, हमें देख के वीडियो वालों को देख के ना आप रुक गए, एक्सरसाइज कर रहे थे इतनी देर, आप चुपचाप बैठे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत ही काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप अपन आगे चलेंगे और काफ़ी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारा अच्छा नज़ारा है इसमें। देखो दोस्तों कितनी हरी हरी घास है, अच्छी लग रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें हमें। मैं चल रहा हूँ उसमें घास में तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को, ऐसे लग रहा है कि पैरों को भी ऑक्सीजन मिल रही है दोस्तों। अब अपन ऐसे हम ऑक्सीजन नाक से लेते हैं, लेकिन पैरों से चलने से पैरों को भी ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में मिल जाती है, बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, काफ़ी मज़ा है दोस्तों। आइएगा खूब आनंद लीजिएगा, ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों सुजानगढ़ के ग्रीन स्पेस पार्क में, केवल स्पेस पार्क में। तो दोस्तों आगे और दिखाते हैं मनोरंजक चीज़ें आपको, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अभी मौसम भी बहुत ठंडा है, बहुत सुहाना मौसम है, हमें बहुत मज़ा आया था हम गए थे तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। ये योगा के लिए बनाया हुआ एक मंच टाइप में एक मैदान है जिसमें हरी हरी घास लगी है, काफ़ी बच्चे खड़े हैं कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ऐसी, आप ये नहीं सोचिएगा कि केवल ये है। और ये क्षेत्रफल में भी काफ़ी बड़ा है, ये पार्क जब बना था नहीं बना हुआ था, यहाँ पे एक खाली मैदान था जहाँ पे एक दशहरा का मेला लगता था, बहुत बड़ा मेला लगता, तो काफ़ी भीड़ होती थी, लोग ये उस दशहरा का मेला देखने के लिए आते थे। आज इस पार्क में आते हैं वही लोग घूमने के लिए, क्योंकि मेला अब और कहीं लगता है तो इस पार्क में आते हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है, हरियाली है अच्छी, इसकी सफाई देखभाल होती है, अच्छे इसमें कर्मचारी लगे हुए हैं। तो देखिए काफ़ी है, ये देखो एक लड़का भी जा रहा है आगे घूमता हुआ। काफ़ी बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए और बहुत आनंद लेते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है मेरे को। मौसम भी ठंडा है, देखने में अच्छा लग रहा है। और ये देखो बड़े बड़े पेड़, हरे हरे पेड़ काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, हरे हरे पेड़ काफ़ी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखो दो अंकल यहाँ पे एकदम आनंद से बातें कर रहे हैं, अच्छे से चर्चा कर रहे हैं, घर से फ्री होके आए हैं एकदम सुबह सुबह के टाइम में। ये देखो लड़का जा रहा है, एक छोटा छोटा बच्चा मेरे आगे आगे जा रहा है, मोटा सा दिख रहा है दिखने में थोड़ा, और लेकिन अच्छा है बच्चा है तो कसरत तो करेगा ही, घूमने के लिए भी आएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों इधर झूले हैं, और ये क्या है आगे और दिखाएंगे आपको, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये देखो कितना अच्छा हरियाली दिख रहा है, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है वाकई में, आप सोचोगे कि क्या चीज़ है, क्या है वाकई में। तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे इधर की तरफ आ रहे हैं, ये देखो एक छोटी सी बच्ची आ रही है सामने, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी अच्छा मौसम है। ये देखो इधर, ये देखो एक लड़की भी जा रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, कुछ लोग खेलने के लिए आते हैं, उनको खेलने में भी आनंद आता है, तो उनको वही एक्सरसाइज ही होती है खेलने में भी, ऐसी बात नहीं है खेलने में एक्सरसाइज नहीं, तभी तो हम छोटे छोटे बच्चों को खेलने देते हैं कि ताकि इनको शरीर एकदम फिट रहे, स्वस्थ रहे, एकदम खेलने कूदने में हाइट लंबाई सब कुछ है ना ग्रोथ करता है। ये देखिए बच्चा अभी अभी ये स्लाइडिंग करेगा इस पर चढ़ के,
अभी इस बच्चे को पता है वीडियो बन रहा है तो ये जल्दी से फिसलेगा दोस्तों, ये काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा है ना, ये देखो बहुत ही अच्छा। अब दोस्तों आगे और भी दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, पार्क के बाहर का दृश्य कैसा है, बाहर का नज़ारा कैसा है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो अपन चलते रहेंगे आगे, ये देखो इधर एक नाथू तालाब नाम से एक तालाब बना हुआ है, इसका नाम है नाथो तालाब। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है ये भी, इसमें बहुत सारे कछुए मिलेंगे आपको, और बाहर का पानी ये भरा हुआ है, तो ये बारिश की वजह से एक दिन पहले ही बारिश हुई थी, इसकी वजह से थोड़ा पानी भर गया है, और ये बहुत ही अच्छा ना, ये देखो नाथू तालाब का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है, एकदम पानी एकदम साफ दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा ये नाथू तालाब। तो दोस्तों इसमें क्या क्या है इसमें दिखाएंगे, ये देखो इधर कोई छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, कुछ देख रहे हैं, अब अपन भी देखते हैं इसमें क्या है ऐसा जो लोग इसमें ऐसे देख रहे हैं। तो काफ़ी हरियाली है, मौसम भी सुहाना है, अच्छा नज़ारा है, बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे, आपको भी आएगा तो ज़रूर आइएगा इसमें। ग्रीन स्पेस पार्क सुजानगढ़ का एकमात्र पार्क, सबसे बड़ा पार्क ग्रीन स्पेस पार्क। तो दोस्तों ये देखिए अपन इसके पास में जाकर देखते हैं इस नाथू तालाब में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बच्चे ऐसे झांक झांक के देख रहे हैं और बहुत से लोग इसे भी देखते हैं, क्या है अपन आगे चलते हैं। ये आसपास का वातावरण देखिए कितना हरा भरा है, हरी हरी घास, हरा हरा मौसम, सुहाना मौसम, क्या नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अपन जा रहे हैं, अब देखेंगे पानी में क्या है दोस्तों, अब अच्छा नज़ारा आ रहा है, अपन भी देखेंगे। ये देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा नज़ारा है, पानी में देखो क्या दिख रहे हैं दोस्तों, कछुए दिख रहे हैं, कैसे मज़ा ले रहे हैं पानी में, ठंडा ठंडा पानी है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो आप भी ऐसे पानी में नहाना नहीं चाहते दोस्तों, ये देखो कछुए नहा रहे हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों, आइएगा देखिए देखिए ये कछुए देखो कैसे आनंद ले रहे हैं, ये देखो बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों, ये देखो अभी देखो ये मुंह निकालेगा कछुआ, अभी देखो दोस्तों थोड़ी देर रुको, ये अभी निकालेगा देखो, और ये देखो ये घड़ी लंबी लंबी गर्दन निकाल रहे हैं, अरे वाह क्या बात है भाई, हाथ पैर सब चला रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, अपन लोगों को तैरना नहीं आता है, ये तैरते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है भाई। इन कछुओं को हम आप तो वीडियो में देखोगे, अरे हम रियल में देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसके हाथ लगाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ी पत्थर है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा नज़ारा है, आइएगा, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो लगातार देखते रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो, आगे और भी अच्छी अच्छी दिखाएंगे चीज़ें, तो आप चलते रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों कछुए देखे आपने नज़दीकी से, आप इनको रियल लाइव देखोगे तो और ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस पार्क में आओगे तो ये भी चीज़ें भी देखने को मिलेगी, ये देखो दोस्तों पार्क के साइड का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा इधर ऐसा वातावरण है, और ये देखो पार्क के बाहर का जो पट्टी मैदान बना हुआ है जिस पे लोग रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, वो सड़क टाइप में बनाई हुई है, वो उस पे लोग सब लोग दौड़ते हैं। और ये इधर देखो बालाजी का मंदिर है दोस्तों, पास में बालाजी का मंदिर भी है, और ये भी आपको अच्छे से देख पाओगे, मंदिर भी दर्शन कर पाओगे। ये देखो मौसम देखो सुबह का कितना अच्छा सुंदर मौसम लग रहा है, ये देखो सूरज दिखाई दे रहा है पानी के अंदर भी दोस्तों, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, सुहाना मौसम है, दिल दीवाना है, क्या बात है, अच्छा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों चले रहिए वीडियो के साथ आगे आगे और क्या क्या देखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा नज़ारा है, ये देखो आसपास का वातावरण ऐसा है, यहाँ पे लोगों के घर भी है, इधर खुला मैदान है, ये मंदिर है। अब रोड पे चलते हैं अपन, लोगों को देखते हैं कैसे दौड़ते हैं, कैसे चलते हैं, ये देखो लड़की थक गई है इसलिए पैदल आ रही है, और ये देखो एनर्जी के साथ दौड़ रही है लड़की, बहुत ही शानदार, कितना अच्छा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मौसम सुहाना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब ये देखो ये लड़की भी अब भागेगी, देखो ये भी इनको पता है वीडियो बना रहे तभी भागी है, और ये देखो ये आंटी आ रही है एकदम स्पीड से चल के, अभी ये देखो अभी सामने से निकली है, ये अपन वीडियो में चलते चलते एक बार और आएगी, तो दोस्तों लगातार वीडियो देखेगा। ये देखो बहन भाई आ रहे हैं एकदम हाथ पकड़ के, एकदम थक गए हैं ये भी। ये देखो पार्क के बाहर का दृश्य है, जो बारिश की वजह से पानी थोड़ा भेड़ा हो रखा है, मतलब इकट्ठा हो रखा है, मजाक मत बनाइएगा दोस्तों, ये ऐसे बोलते हैं अभी राजस्थान से है ना अपन। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा नज़ारा है, देखो हरा भरा एकदम घास उगा हुआ है, काफ़ी नाथू तालाब के देखो पास का दृश्य है ये, और ये इधर ये पट्टी है चारों तरफ बनी है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्तों। अपन आगे चलते रहेंगे दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों रोड पे आगे देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है दोस्तों।
बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों, आगे चलिए अपन देखेंगे। और ये देखो जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये उधर नाथू तालाब वाला यही सीन है, और ये इधर बाहर का थोड़ा ऐसा घास घास बारिश की वजह से उग गया है, काफ़ी हरियाली हो गई है अभी। क्या मौसम ठंडा ही रहता है वैसे तो। अभी अपन आगे देखते हैं, ये देखो अभी भी लोग आ रहे हैं पैदल, कुछ लोग पैदल चलते हैं तो कुछ लोग दौड़ते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं तो कुछ लोग दौड़ते हैं। ये देखो फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं लोग, अरे एक फुल एंजॉय है भाई, फुल एंजॉय है, फुल एंजॉय करो, फ़ोन पे बात करो या कसरत करो या दौड़ लगाओ, सब एंजॉय है। सुबह का मौसम है, सुहाना है। ये देखो बातें कर रहे हैं, घर से आराम से फ्री होके आए हैं, बातें कर रहे हैं, रनिंग भी हो रही है, दौड़ भी हो रही है। ठीक है दोस्तों आगे चलिए आगे। ये देखो एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा है, आपको दिखाई दिया होगा, ये शायद हमें देख के रुक जाएगा, हो सकता है। अब ये देखो अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, अब सब लोग करते हैं यहाँ पे। और ये देखो वातावरण थोड़ा मस्त लग रहा है एकदम। ये देखो दोस्तों इधर ये हरे का से बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं इधर। ये एक गवर्नमेंट स्कूल है दोस्तों, आपको जूम करके दिखाएंगे क्या नाम है स्कूल का, कौन सी स्कूल है। और ये स्कूल के पास में ही रनिंग वाली पट्टी है, तो ये देखो स्कूल का नाम आपको जूम करके दिखाया गया है, राजकीय श्री रघुनाथ जाजोदिया उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़। बहुत ही बड़ा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो 12वीं तक है ये स्कूल, अच्छा स्कूल है। ये भी पार्क के थोड़ा साइड में ही है, जैसे पट्टी बनी हुई है चारों तरफ तो ये पार्क के, और ये साइड में स्कूल है इसका, और बीच में ये हरा हरा थोड़ा मैदान टाइप में हो गया। इसमें भी कुछ प्रोग्रेस करेंगे गवर्नमेंट के हिसाब से, कुछ पैसे आएंगे तो देखते हैं क्या बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं या कुछ और कोई तालाब बनाते हैं जानवरों के लिए, या कुछ और कोई मनोरंजक चीज़ बनाएंगे।